सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बयान करते हैं कि इनके दादा आस बिन वाइल ने जमाना जहलियत में 100 ऊंट कुर्बान करने की नजर मानी थी, फिर हिशाम ने अपने हिस्से के 50 सिबाह कर लिए और अमर बिन आस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सवाल किया कि मैं भी ज़िबाह करूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा अबूक फलौ कान अकर बित्तौहीद, अगर वो तौहीद का इकरार करता, अगर वो तौहीद का इकरार करता, किसी में है जुर्रत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इनकार करे, करे जुर्रत। ये प्यारे नबी का फरमान मुस्तद अहमद में, अगर तेरा बाप तौहीद का इकरार करता, तौहीद का लफ्ज अहले हदीसों में घड़ा नहीं है, तराशा नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मासूम मुबारक पाकीजा जुबान से अदा हुआ है, अगर तेरा बाप तौहीद का इकरार करता, फसुमत अनहु व तसद्दत अनहु नफअहु ज़ालिक, अगर तौहीद का इकरार कर लेता फिर तो उसकी तरफ से रोजे रखता और तो उसकी तरफ से सदका खैरात करता तो उसके लिए फायदा मंद होता। तौहीद का ये लफ्ज अहदीस में मौजूद है। तुम तौहीद का मजाक उड़ाते हो, हकीकत में कुरान और हदीस का मजाक उड़ाते हो। तुम कहते हो जी कौन सजदे करता है, भरे पड़े हैं सजदों के मनाजिर तुम्हारी कब्रों पे, दरगाहों पे। सिर्फ सजदों का मामला नहीं है, तुम्हारे मजारात पर तो हर तरह का शिर्क, वो शिर्क भी हो रहा है जो कुफारे मक्का ने नहीं किया। ये मिंबर का तकद्दस मुझे रोकता है, वगरना इब्न शाह के मजार पर लकड़ी के बने हुए आजाद, तुम्हें भी खबर मिली है, यूट्यूब पर वो चैनल मौजूद है, कोई इब्न शाह लिख के सर्च कर सकता है कि वहां तुम पीर साहब की तरफ मंसूब लकड़ी का उज्व बनाकर उससे भी औलाद की उम्मीदें रखते हो। कब्र परस्ती का कौन कौन सा धंधा तुम्हारे यहां नहीं हो रहा। अभी बाबा जी फौत हुए हैं, रिजवी साहब फौत हुए हैं, कब्र बनी है और ताजा ताजा सजदे शुरू हो गए हैं, पूजने के लिए एक मजार और मिल गया है। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह को याद रखो, इसके मफहूम और मायना को याद रखो, इसके तकाजों को याद रखो, और जो तौहीद की बुनियाद पर आपको गले लगाए उसके गले लगो। तौहीद की दावत को भुलाकर अहले शिर्क की महफिलों, अहले बिदअत की महफिलों की रौनक ना बनो, और ना ही अहले शिर्क और अहले बिदअत की ऐसी तारीफें करो कि अवामुन नास अहले ईमान तुम्हारी इन गुफ्तगू की वजह से किसी फितने का शिकार हो जाए, शुभे का शिकार हो जाए। अल्लाह ईमान पे कायम रखे और ईमान पे हमारी मौत हो, मनहजे सहाबा पे जिंदा रहें और मनहजे सहाबा को सीने से लगाकर कौलू ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाज़ बुलंद करते हुए शहादत की मौत पाकर अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बने।